हाँ तो अब पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा इस रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एनिसोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन ये है कि ऑर्थो एंड पैरा जो पोजिशन है इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कहाँ कहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एनिसोल की रिएक्शन, अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं। वैसे कल हमने ये रिएक्शन देखी थी, तो ये एनिसोल है बेटा, इसका नाम है एनिसोल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से। अब यहाँ पे ये ब्रोमीन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एसिड के मीडियम में। कल ये हमने बताया था कि दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, और तो और पैरा, जिसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और स्टेबल होता है। रीजन कल मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस का कल मैंने रीजन बताया था, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एक और रिएक्शन इसमें देखते हैं, एनिसोल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किससे, नाइट्रिक एसिड से, मतलब इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या होगा। एनिसोल का क्या कराना हमें, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हम करवाते हैं कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। और जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं बेटा, तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, और क्या ऐड करना हमें, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। तो नाइट्रेशन होगा तो दो फिर इसमें कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, और तो और पैरा वाला कंपाउंड मिलेगा, एक और तो का कंपाउंड मिलेगा और एक पैरा कंपाउंड मिलेगा इस टाइप से। यहाँ नाइट्रो जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ नाइट्रो जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी क्या जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और तो एंड पैरा कंपाउंड मिलेंगे इसमें, जो पैरा नाइट्रो एनिसोल है इसे हम बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये मेजर होता है कंपाउंड और ये बनेगा माइनर। ये क्या है, ये है और तो नाइट्रो एनिलीन, सॉरी एनिसोल, ये पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये और तो नाइट्रो एनिसोल। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, जो लास्ट रिएक्शन है इसकी चैप्टर की भी लास्ट रिएक्शन है। एनिसोल का हम करवाते हैं फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं। क्या करवा रहे हैं हम, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। प्रोसेस क्या करवा रहे हैं, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा बेटा इसमें एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करते हैं, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें कंपाउंड बनेंगे फिर दो टाइप के, एक और तो कंपाउंड मिलेगा और एक पैरा कंपाउंड मिलेगा। ये और तो कंपाउंड मिला और एक मिलेगा हमें पैरा कंपाउंड। तो चैट बॉक्स में लिख कर बताओ कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो पैरा कंपाउंड है, पैरा मिथाइल एनिसोल, इसे बोलते हैं पैरा मिथाइल एनिसोल, ये मेजर होगा, ये मेजर कंपाउंड होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक और रिएक्शन देख लेते हैं फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में, ये एनिसोल, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटाइल क्लोराइड से, एसीटाइलेशन है ये, ठीक है, एसीटाइल क्लोराइड। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, AlCl3, एनहाइड्रस लेंगे, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो रही है। तो दो कंपाउंड मिलेंगे, एक और तो और एक पैरा,
तो पैरा वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और एक मिलेगा हमें ये पैरा कंपाउंड। पैरा कंपाउंड क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि और तो में क्या होगा, दो बड़े जो बल्की ग्रुप है वो पास पास में, पास पास में होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्सन होगा और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा तो इसकी जो यील्ड है ना वो भी कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी सारी रिएक्शन थी। अब हम पढ़ लेते हैं यूजेज ऑफ ईथर। ईथर के क्या क्या यूजेज है, कम ही है बेटा, ज्यादा नहीं है, लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर का। यूजेज ऑफ ईथर्स, तो सबसे पहला तो है इसका यूज है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, किस तौर पे हम इसको यूज करते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज है, एज ए सोलवेंट। इसको हम यूज करते हैं एज ए सोलवेंट, एज ए सोलवेंट इन मेनी रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है सोलवेंट के तौर पे ईथर। ठीक है, और जब भी हम विग्नार रिएजन की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम सोलवेंट के तौर पर ईथर का ही यूज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आप लोगों ने सुना होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम रिएक्शन करवाते हैं। फिर है इसका नेक्स्ट यूज, इसका यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट के तौर पे लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इसका हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, मीडियम के तौर पे ये काम करता है। इट रिएक्ट एज ए मीडियम इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या हो गए बेटा, यूजेज हो गए। ठीक है, और इसको यूज करते हैं हीट ट्रांसफर मीडियम में भी इसका यूज करते हैं क्योंकि इसका हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। डाई फिनाइल ईथर का यूज करते हैं, डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर इसका यूज करते हैं हीट ट्रांसफर मीडियम में क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 531 केल्विन का है। डाई फिनाइल ईथर क्या होता है, ये डाई फिनाइल ईथर है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर में जो बना रहा हूँ बेटा, डाई फिनाइल ईथर की दोनों तरफ क्या है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, डाई फिनाइल ईथर। समझ में आई बात, बात समझ में आ गई बच्चों। भी आप लोगों को समझाया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन तो एल्डिहाइड मिलते हैं, एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, ये कल इससे पहले वाले चैप्टर, इससे पहले वाले क्लासों में मैंने आप लोगों को ये सीक्वेंस बताइए, समझाइए। तो हमें एल्कोहल बनाना है तो हम एल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से हम एल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। इस मेथड से इसका हमें कराना होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हो सकता है लेड पीटी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, और क्या हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, और हो सकता है सोडियम के साथ में एल्कोहल। ये सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और हम ले लेते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये भी बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूस करवाएंगे किसको, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हैं तो एल्कोहल मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किससे, किसके ऊपर एक रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड के ऊपर। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड हमने ले लिया, जैसे ये लिया हमने एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, तो हमें 1 डिग्री
एल्कोहल भी मिल सकता है, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल ये ऑप्टेन हो सकते हैं। इससे हमें इससे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड। अब किस टाइप के एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड की, तो 1 डिग्री मिलेगा, कहाँ कैसे हमें 2 डिग्री मिलेगा, कैसे 3 डिग्री मिलेगा, ये शॉर्ट में समझ लो बेटा। अगर हम ले लेते हैं HCHO, ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जैसे ये हमने लिया CH3MgBr, तो हमें क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा हमें, 1 डिग्री एल्कोहल, किससे, सिर्फ फॉर्म एल्डिहाइड से मिलेगा, ये बात ध्यान देनी है। और अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल, अगर हमें 2 डिग्री एल्कोहल चाहिए तो एल्डिहाइड जिसमें फॉर्म एल्डिहाइड नहीं लेना, उसके अलावा अगर कोई भी हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, क्या ले लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड लिया है, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, अभी हमने बताया था ईथर के यूज, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है वो मैंने पहले आप लोगों को समझा रखी है बेटा अच्छे से, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर समझ लो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, बस पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करना आपको। तो ये हमने लिया मेन CH3CH और ये है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन माइनस है तो माइनस से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे हम जोड़ देंगे MgBr, और ये जो कार्बन है ये नेगेटिव है, ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है, इससे ये वाला नेगेटिव कार्बन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया देखो CH3। अब इसका क्या कराना होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना होता है, हाइड्रोलाइसिस H2O, ठीक है, या H3O+ लिखेंगे तो ये इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। तो देखो मोटर का ऐड करवाना होता है, मोटर ऐड किस टाइप से होता है, मतलब मोटर इससे किस टाइप से रिएक्ट करेगा, ये HOH, ये इस टाइप से रिएक्ट करेगा MgBrOH, और ये जो H है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और कंपाउंड मिलेगा हमें सेकेंडरी एल्कोहल, क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल, इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल। तो आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड लिया, अगर हम फॉर्म एल्डिहाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हम फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसके अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एल्डिहाइड भी ना लें और हम क्या ले लें बेटा, कीटोन ले लें, क्या ले लें हम, अगर हम कीटोन ले लेते हैं, कीटोन्स, तो कीटोन से हमें क्या मिलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल्स मिलेंगे। अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराएं बेटा, किसकी, कीटोन्स की रिएक्शन करवाते हैं RMGX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या ऑप्टेन होगा, हमें 3 डिग्री एल्कोहल्स मिलेंगे, बात ध्यान देंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था बेटा कौन सी रिएक्शन, कि एल्किन से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को ऑप्टेन कर सकते हैं, एल्किन से हम एल्कोहल को ऑप्टेन कर सकते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन हमने एक मेथड पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किससे, B2H6 से, हाइड्रोबोरेशन में B2H6 यूज करते हैं, ठीक है ना, डाइबोरेन यूज करते हैं, तो हमें पहले तो हमें मिलता है ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, जिसका फॉर्मूला हमें CH3 CH2 CH2, यहाँ पे होल थ्राइज करके यहाँ पे हम बी लगाते हैं। फिर इसका हमें क्या करना होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना होता है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इस मॉलिक्यूल का, तो हमें मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल, क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी एल्कोहल प्लस H3PO3,
ये हमें अलग से मिलता है। तो इस टाइप से हम इसको ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे ना सॉरी इससे सेकेंडरी एल्कोहल नहीं, इससे प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। इससे प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा वो कौन सा होगा? प्रोपेनॉल। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना बेटा, प्रोपेनॉल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है जो हमने बताई अभी तक? तो फिनोल को बनाने का मेथड है कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसका, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एक्चुअल में क्या चीज होता है। मैंने लिखा बेटा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट में अगर हम क्लोराइड ले लेते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला बता रहा हूँ, C6H5N2Cl। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ C6H5N2X, तो ये क्या हो गया? ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हो गया। यहाँ आता है नेगेटिव, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिख सकते हैं? इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में यहाँ पे Cl के ऊपर इस टाइप से। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इसका हमें क्या कराना है? इसको अगर हम बॉइल करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं कुल मिला के, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब होता है इसकी रिएक्शन हमें करवानी होती है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं ना बेटा, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा कुल मिला के, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, यहाँ पे वाटर का मोलिक्यूल एक ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करते हैं इसमें, देखो ध्यान से देखेंगे, वाटर मोलिक्यूल ऐड करना है हमें, एच एच ओ एच, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो इसमें से क्लोरीन है ना, क्लोरीन सॉरी इसमें से जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाएगी नाइट्रोजन के फॉर्म में, ये एन टू, ये जो है इस टाइप से बाहर जाएगा HCl। अब क्या बचा हुआ है? ये जो OH है ना वो इस बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, तो कंपाउंड मिलेगा ये फिनोल, ये फिनोल मिला हमें, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जिससे हम क्या बना सकते हैं? फिनोल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कॉमर्शियली जो मेथड है ना वो है क्यूमीन से। क्यूमीन से क्या बनाना बेटा? फिनोल बनाना, क्यूमीन से, क्यूमीन से फिनोल बनाना। तो ये मेथड आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, कॉमर्शियल प्रिपेयर बाय क्यूमीन। तो क्यूमीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला है क्यूमीन का। यहाँ लिखेंगे CH, ये CH3 और ये CH3। किसी को, किसी बच्चे को इसका नाम पता हो तो बताओ जल्दी से जेड बॉक्स में लिख के। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये किसे क्या बोलते हैं हम? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यही क्यूमीन है बेटा, यही क्या है? क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन का हमें क्या करवाना पड़ता है? क्यूमीन का रिएक्शन हमें करवानी होती है इसका एल्काइलेशन करवाना होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना होता है इसका। जब हम फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम? H3PO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप का हमें एक कंपाउंड मिलता है, देखो यहाँ पे COOH और यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आता है CH3। इस टाइप का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। फिर इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगी फिनोल, फिनोल मिलेगी इससे, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? फिनोल मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगी हमें? एसीटोन, CH3CO CH3, ये भी हमें मिलेगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना ये ऐसे रिमूव होगा, CH3CO CH3 ये वाला,
OH बेंजीन लिंक से जुड़ेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें फिनोल। बात समझ में आई फिनोल किस टाइप से मिलती है हमें? ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। के जो एल्कोहल्स है ना, एल्कोहल ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल होते हैं, रीजन है इसका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल है तो उसका एक ही रीजन आप लिखेंगे, क्या बेटा क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर वो पानी में सोल्यूबल है तो वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इस वजह से वो क्या है, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पानी में, जो सोल्युबिलिटी है उसकी, सोल्युबिलिटी इन वाटर, वो क्या होगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें जो सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है वो है 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड लीस्ट आर टर्सरी एल्कोहल। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू डिक्रीज प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना बेटा, अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लस आई इफेक्ट है, अगर प्लस आई इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। बात ध्यान देना आप, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जैसे जैसे एल्कोहल के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाते हैं तो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। जैसे ये मैंने एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लिखा है CH3OH, फिर मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाया है मैंने, ये मैंने बना दिया सेकेंडरी एल्कोहल, और ये मैंने लिख दिया टर्सरी एल्कोहल, ये टर्सरी एल्कोहल है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसमें जो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना, इसमें जो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, कौन सा वो है, CH3 ग्रुप, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। इसमें जो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है, एक इस ग्रुप की वजह से, एक इसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर ये देखो, ये जो ग्रुप है मिथाइल, ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप और ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं कार्बन की तरफ, तो इस कार्बन के पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। बात समझ में आई ना? इसमें सिर्फ दो ही है, इसमें तीन है, प्लस आई वाले हैं, तो इस टाइप से हम इसको देखते हैं। अब अगर हम तीन चार की कंपे तीन अगर तीन चार मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आपको चार मॉलिक्यूल दे दिए, जैसे एक आपको दे दिया एल्कोहल, एल्कोहल दिया,
में वाटर भी है, फिनोल है, ठीक है। जैसे ये तीन आपको मॉलिक्यूल दे दिए, अगर आपको पूछे तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कौन शो करता है, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, वो एल्कोहल करेगा, फिनोल करेगा या फिर वाटर करेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2OH, फिर मैंने लिखा H2O और फिर मैंने लिखा फिनोल। अगर आपको पूछे इन तीनों को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में कैसे इसको रखेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा तीनों में से, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका ये फिनोल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद में कौन होगा एसिडिक, वाटर, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, एल्कोहल। ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास में है वो क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और साथ में इसमें जो क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ये क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होता है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है, और रेजोनेंस स्टेबल होने की वजह से ये जो है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ये आराम से एच प्लस को रिमूव कर देगा, एच प्लस को आराम से रिमूव करके क्या बना देगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, और ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है, और स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाने की वजह से ये क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा शो करता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, एल्कोक्साइड बनता है, ROH, जब ये एच प्लस देगा ना, ये एच प्लस अगर दे देता है तो क्या बनता है, RO बनता है, और ये क्या है, ये एल्कोक्साइड है, और एल्कोक्साइड में किसी टाइप की कोई भी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल स्पीसीज है ये, और अनस्टेबल स्पीसीज होने की वजह से ये क्या करता है, जो एच प्लस आयन जो इसने दिया है ना, इसको वापस क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, इसको वापस एक्सेप्ट कर लेता है, तो मतलब इसने कुल मिला के एच प्लस आयन दिया ही नहीं है, ये एच प्लस आयन को डोनेट करने में क्या ये असक्षम है, तो ये असक्षम होने की वजह से इट इज नॉट एबल टू डोनेट एच प्लस आयन, सो इट इज लीस्ट एसिडिक। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई ना। उसके बाद में हम देख लेते हैं बेटा एसिडिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड फिनोल, अगर फिनोल के ऊपर हम कोई सब्सटीट्यूट ग्रुप लगा दें तो उससे क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो देखो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, पहले ही मैंने बताया था, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो टाइप के ग्रुप होते हैं, ई डी जी ग्रुप, ई डी जी ग्रुप,